दोस्तों आज की कहानी है, मम्मी जी अब सफेद रंग ही मेरी दुनिया है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। सुरभि ने अपनी सासू माँ ममता जी के पैर छुए और घर से निकलने लगी, लेकिन ममता जी ने उसे रोक लिया। रुक जाओ सुरभि, तुम ऐसे ऑफिस नहीं जा सकती। रुको मैं अभी आती हूँ। ममता जी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई तो उनके हाथ में एक नीले रंग का दुपट्टा था। सुरभि ये दुपट्टा ओढ़ कर जाओ और उसका सफ़ेद दुपट्टा उतार कर नीला दुपट्टा उड़ा दिया और फिर उसके हाथ को आगे करके उसकी हथेली पर स्कूटी की चाबी रखते हुए कहा, कितनी बार कहा कि जा रही हूँ, नहीं बोलते, जाकर आती हूँ, ऐसा बोला करो बस। मैं धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं, आज से तुम स्कूटी से ही जाओगी, लेकिन आराम से चलना और ऑफिस पहुँच कर बस एक मैसेज कर देना कि पहुँच गए। प्यार से सिर पर हाथ रखा और जाने का इशारा किया। माँ अपने दुपट्टा क्यों बदला, मुझ पर अब रंग कहाँ अच्छे लगेंगे, अब यही सफ़ेद रंग की मेरी दुनिया है। सुरभि की आंखें नम हो गई। अंकित की कमी नहीं पूरी कर सकती, लेकिन ये वादा करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी से रंगों को दूर नहीं होने दूंगी। अंकित को सटक रंग बहुत भाते थे और सफ़ेद से उतना ही सीधा था, और नियति ने वही रंग पूरी बात को कहने से पहले ही रो पड़ी। माँ आप मत रो, आपको देख कर ही मुझे हिम्मत मिलती है। सुरभि ने ममता जी के आंसू पोसे और फिर शाम को जल्दी आने को कहे ऑफिस के लिए निकल गई। पीछे खाली घर में रह गई। ममता जी एक कप साइकिल लेकर बालकनी में पड़े झूले पर जाकर बैठ गई। हल्की ठंडी बेयार भी सर्दी की धूप में भी ठंड का एहसास करा गई। साय पीते पीते यादों के गलियारों में गुम हो गई। जब उनके बेटे अंकित ने सुरभि को सामने लाकर खड़ा कर दिया, मम्मी ये सुरभि है मेरे ही ऑफिस में और हम एक साल से एक दूसरे को जानते हैं। हम जब आपके आशीर्वाद के साथ जीवन साथी की डोर में बंधना चाहते हैं, अचानक यूं अंकित का शादी के लिए बोलना ममता को असरज में डाल गया। सुरभि से मिलने के बाद उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह उसे कैसे इनकार करे, क्योंकि कोई वजीब वजह ही नहीं थी इनकार की। उन्हें शादी के लिए ही हाँ कर तो दी, लेकिन एक समझौते की तरह एक समझौता अंकित की माँ ने किया। सुरभि की सास जी हाँ, ममता जी और सुरभि के बीच हमेशा सास बहू का ही रिश्ता रहा। हालांकि सुरभि ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि ममता जी से उसे माँ का प्यार मिले, लेकिन एक अनकही सी दूरी ममता जी ने बना रखी थी। कोई भी काम या बात ममता जी कहती तो वह यही कहती, जी मम्मी जी हो जाएगा या जी मम्मी जी जैसा आप गए। कभी भी ममता जी की बात को नहीं काटती, उसके रहने से हमेशा एक रौनक बनी रहती थी। पता नहीं कहाँ से उसे पता चल गया था कि ममता जी को बनारसी साड़ी बहुत पसंद है। उसने बर्थडे में वही गिफ्ट दिया, जिसे देखकर उनकी आंखें भर आई। खाने के टेबल पर उनकी पसंद की डिशेस देखकर हैरान रह गई। शादी के 25 साल होने वाले थे। पति और अंकित दोनों को ही नहीं पता था कि उनकी पसंद क्या है और उन्हें खाने में क्या पसंद है। और ये लड़की जिसे आया अभी कुछ ही महीने में उसने सब पता लगा लिया। फिर तो सुरभि की सास कब सुरभि की माँ बन गई, ये तो
ममता जी भी नहीं समझ पाई, दूरियां कब नजदीकियों में बदल गई पता ही नहीं चला। अब सास बहू की जोड़ी मिलकर खूब मस्ती करती। ममता जी जब अंकित के बालों में तेल लगाती थी तो सुरभि को भी बुलाकर उसके बालों में तेल लगा देती। ये देख अंकित उसे सिड़ाते हुए कहता कि मम्मी आप भूलो मत, ये आपकी बहू है बेटी नहीं। तब वो सुरभि को गले लगाकर कहती है कि तू नहीं समझेगा कि हमारा रिश्ता क्या है। हर स्त्री के साथ होती है कि उसे एक बेटी हो, क्योंकि बेटियां बिन कहे ही माँ को समझ जाती है। सुरभि ने बिन कहे ही मेरी पसंद नापसंद पता कर ली। खुशियाँ जब अपार हो तो उन्हें नज़र लगाते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हुआ जब एक दिन अंकित उन्हें रोता छोड़ चला गया। सबकी जिंदगी वहीं थम गई। सुरभि के आँखों से आंसू सूख गए। अपना दर्द भूल व ममता जी और पापा जी को संभालने लगी। ममता जी को हौस तो तब आया जब उनके यहाँ आए रिश्तेदारों ने सुरभि को अब शगुनी कहा। साल भर भी नहीं हुआ और पति को खा गई। सुना है कि शादी लव मैरिज थी, यही गलती हो गई। लव मैरिज के चक्कर में कुंडली तो मिला ही नहीं होगी, जरूरी इसकी कुंडली में विधवा का योग रहा होगा। और भी ना जाने कितनी अनग्रह बातें जिसे सुरभि ने भी सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन ममता जी ने सभी की बोलती ये कहकर बंद कर दी। बहुत बहुत आभार जो आप सभी हमारे दुख में शरीक होने आए, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि मेरी बहू पर उंगली उठाए। आप सभी जा सकते हैं, आप किसी के हम दर्द नहीं बन सकते, तो सर दर्द भी मत बनिए। रिश्तेदारों के जाने के बाद ममता जी ने सुरभि को देखा और उसे गले लगाकर खूब रोई। ममता जी ने अपने आप से वादा किया कि सुरभि को कभी उदास नहीं होने देगी और उसे उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपने स्वार्थ की वजह से उस बच्ची का जीवन रुकने नहीं देगी, उसे वही खुला आसमान देगी जो अंकित चाहता था। बहुत समझाने पर सुरभि ने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया। आज ऑफिस जाते समय सुरभि जब सफेद कपड़ों में बाहर आई तो ममता जी दिल में भूख उठी, इसलिए उन्होंने उसे हल्के नीले रंग का दुपट्टा उड़ा दिया। क्योंकि पहले भी उनकी सुरभि से इस बारे में बात हुई तो उसने कहा कि उसके सभी रंग तो अंकित के साथ चले गए, अब यही रंग उसके जीवन का हिस्सा है। लेकिन ममता जी ने अपनी बेटी के जीवन में धीरे धीरे रंग भरने का दृढ़